नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोहू फिश बनाएंगे दोस्तों। रोहू फिश का देखिए पहचान क्या होता है दोस्तों, इसका मुंडी बड़ा होता है। ऐसे हम छोटे छोटे पीस में देखिए कटवा लिए हैं और इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लिए हैं। देखिए एकदम वाइट पूरा, इसका छिलका पूरा निकाल कर अच्छी तरह से धो लिए हैं दोस्तों। इसमें ब्लैक ब्लैक भी होता है जैसे ये है, ये सब निकाल कर धोना, नहीं तो ये तीता लगता है। देखिए दोस्तों 750 ग्राम फिश है। देखिए इसको हम मैरिनेट करेंगे, इसके लिए हम देखिए 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और 1 चम्मच तेल। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसको डालने से दोस्तों क्या होता है, मछली फ्राई करने समय मछली अंदर से फ्राई नहीं होगा और ऊपर से मसाला जलने लग जाता है। अगर आपको फ्राई फिश खाना है तब आप मसाला लगाकर फ्राई करिए, नहीं तो अगर फिश कड़ी बनाना है तो नमक हल्दी और तेल लगाकर ही मैरिनेट करिए। देखिए दोस्तों इसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, सभी में नमक और हल्दी का कोट कर देंगे। देखिए दोस्तों सारा में नमक हल्दी लगा दिए हैं और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि नमक मछली अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गया मछली को मैरिनेट करके रखते हुए, अब हम मछली को फ्राई करेंगे। इसके लिए देखिए दोस्तों हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। देखिए 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल डाले हैं। देखिए दोस्तों तेल गर्म हो गया है, देखिए तेल से धुआं निकल रहा है। अब हम गैस के फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें फिश को डालेंगे। फिश को डालने से सावधानी बरतना होगा, इसका तेल अच्छी तरह ना करें। देखिए दोस्तों जितना तेल है उसके अनुसार इसमें हम मछली को डाल दिए हैं और गैस के फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और उसे हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। दोस्तों अगर तेज रखिएगा तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। देखिए दोस्तों एक तरफ से देखिए दिखने लगा है कि एक तरफ से फ्राई हो गया है, इसे हम धीरे धीरे पलट देंगे। इस तरफ से भी हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों मछली दोनों तरफ से देखिए गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। अब हम मछली को निकाल लेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम सारे मछली को हम फ्राई कर लेंगे। अब मत देखिए मछली को डालते समय दोस्तों गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। देखिए मुंडी और पिछली को हम एक साथ फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों मछली का ग्रेवी बनाने के लिए 3 हरी मिर्च, देखिए दोस्तों मछली का ग्रेवी बनाने के लिए 3 हरी मिर्च, 3 लाल मिर्च और 3 हरी मिर्च लिए हैं। मिर्च आप कम ज़्यादा अपने अनुसार करिएगा, कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। 2 फुट लहसुन लिए हैं, इसे भी हम छील लिए हैं। 1 प्याज लिए हैं, इसे भी हम काट लिए हैं। 1 इंच अदरक लिए हैं और 1 चम्मच जीरा गोल मिर्च लिए हैं और 1 चम्मच धनिया साबुत लिए हैं और 2 चम्मच सरसों लिए हैं, क्योंकि मछली दोस्तों सरसों से ही स्वादिष्ट बनता है। और मसाले भी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, अगर कितना आदमी है इसके अनुसार से आप मसाला भी बना सकते हैं, लेकिन हम 4 से 5 आदमी के लिए इतना मसाला हम डाल रहे हैं। इस सारे मसाले, ये मसाले और ये मसाले, सारे मसाले को हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए दोस्तों 2 टमाटर लिए हैं, इसे भी हम
काट लेंगे, इसे हम पीसेंगे नहीं। देखिए दोस्तों, दूसरा बैच भी मछली फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए मछली को निकाल लिए हैं, अब हम इसका देखिए फिश का भिंडी को फिर फ्राई करेंगे, इसे भी गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, भिंडी और किसी भी फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। मसाला हम पीस लिए हैं और सारे मछली को भी हम फ्राई कर लिए हैं, अब हम मसाला फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई करके तेल बचा हुआ है, इसी तेल में हम आधा चम्मच मेथी का फ़ोरन डालेंगे। देखिए फ़ोरन जल गया है, मेथी को अधिक नहीं जलाएंगे, नहीं तो दोस्तों कड़वा हो जाएगा। अब हम इसमें ये जो मसाला पीस कर रखे हैं, इसे हम डाल देंगे। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे। अरे हम टमाटर को भी इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा। और मसाला को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना होने लगे। देखिए दोस्तों, मसाला से तेल अलग होने लग गया है। देखिए अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी आप अपने आवश्यकता के अनुसार डालिएगा कि कितना गाढ़ा और पतला खाना पसंद करते हैं। और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। देखो दोस्तों, ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें मछली को डाल देंगे। ऐसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए हम पकने देंगे। देखिए दोस्तों, फिश को ग्रेवी में पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम इसमें देखिए धनिया पत्ता डालेंगे। गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मछली को हम सर्व प्लेट में सर्व कर दिए हैं। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से रोहू फिश करी बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।